वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनब। दोस्तों, काटेरा नाम का नया कन्नड़ा फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। दोस्तों, इसको कहते हैं दर्शन का प्योर मास एंटरटेनर, कमर्शियल मास मसाला एंटरटेनर। दोस्तों, सबसे पहली बात तो स्टोरी की अगर मैं बात करूं, सी देखो स्टोरी का प्रिमाइस क्या है यार, अमीर है गरीब है, गरीब पे अत्याचार हो रहा है और कास्ट बेस्ड अत्याचार भी हो रहा है। तो वो जो प्रिमाइस दिखाया, वो प्रिमाइस कनेक्ट कर जाएगा और वो उसमें जो इमोशनल कनेक्ट है, जो सिंपति वाला कनेक्ट है, जो ऐसा कनेक्ट है कि आप फील करोगे गरीबों के लिए, आप चाहोगे कि गरीबों के लिए कोई खड़ा हो, कोई उनके लिए लड़े, वैसा वाला कनेक्ट ये स्टोरी जरूर क्रिएट करता है आपके मन में। और दूसरी बात, यू नो उनका मसीहा कौन है, द वन एंड ओनली दर्शन, द वे दर्शन राइजेस लाइक द फीनिक्स फ्रॉम द एशेस एंड द वे प्रोटेक्ट्स देम, द वे केयर्स फॉर देम एंड व्हाट ही डज फॉर देम टू कीप देम सेफ। तो वही है दोस्तों फिल्म का कहानी। तो कहानी लाइक आई सेड एक इमोशनल कॉर्ड, एक जज्बा आपके मन में उजागर करता है, जरूर उजागर करता है। एंड जिस तरह से दर्शन अपने यू नो लोगों के लिए लड़ता है, वो लड़ाई देखने में भी एक मतलब एक कनेक्ट, एक इमोशनल कनेक्ट, एक अच्छा कनेक्ट क्रिएट हो जाता है स्टोरी देखते वक्त। सो दैट वॉज वेरी वेल डन बाय द स्टोरी लाइन। थोड़ा लंबा है, 3 घंटा ऑलमोस्ट लंबा है फिल्म, उतना लंबा नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी स्टोरी में काफी सारा एलिमेंट्स था जो मुझे बांधे रखा। अब दोस्तों दर्शन, द वे ही पुल्स द स्टोरी, द वे ही शोल्डर्स द स्टोरी, द वे ही कैरीज द स्टोरी एंड द फिल्म ऑन हिज ब्रॉड शोल्डर्स। ब्रॉड बोल रहा है, ब्रॉड क्या शोल्डर है भाई साहब का, क्या मसल है, क्या बॉडी है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या करिश्मा है यार। दर्शन वॉज स्पेक्टेकुलरली ब्रिलियंट इन काटेरा, रियली रियली लव्ड हिज अवतार, द वे ही इज क्रिएटिंग दोज नाइव्स, द वे ही इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। एक सीन में ऐसा व्हील के ऊपर कुछ डालने के लिए ऐसा उठा के लेके आता और एक सीन में व्हील उठाता, अरे अरे। दर्शन वॉज अ प्रॉपर मास मसाला हीरो एंटरटेनर इन काटेरा, देखने में बहुत बहुत मजा आया। एक्शन की अगर मैं बात करूं यार, मास एलिवेशन सीन्स जो दिया है दर्शन को एक्शन में, एक तो वो मतलब अपना हाथ पे खून मतलब लगा के वो जो भागता है, वो उनका एक प्रथा होता है, एक यू नो रिचुअल होता है, वो जो दौड़ लगाता है खून से लथपथ हाथ को लेकर, अरे वहां पे जो एक्शन आप देखोगे, द कोरियोग्राफी इज वेरी वेरी गुड। एक सीन है जब उनके बहन पे कुछ अत्याचार होते हैं एंड देन वो जिस तरह से भड़क के एक विलन को जो पकड़ता है, इसे क्या आप दिखाया, वो भी बहुत बहुत बढ़िया है। एंड देन ऑफकोर्स इंटरवल के बाद, वो लास्ट इंटरवल के बाद वाला एक एक्शन है जो मतलब मुंह में ऐसे चाकू रख के एक एक्शन है, वो मेरे को ठीक ठाक ही लगा। लेकिन क्लाइमैक्स के वक्त जो बड़ा एक एक्शन मोमेंट है, एक बड़े से वेल जैसे, एक बड़े से कुएं जैसे, इसमें वहां पे जो एक्शन देखा मैंने, वहां पे दर्शन का जो मास एलिवेशन सीक्वेंसेस देखा, वो बहुत 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 बढ़िया लगा। सुपर्ब था दर्शन, एंड दर्शन का एक्शन में तो सुपर्ब ही था ही, बट इमोशनल डायलॉग डिलीवरी भी जो वो कर रहा था, या फिर एक पर्टिकुलर सीन है हिरण्यकश्यप वाला सीन, वहां पे जो दर्शन ने जो डायलॉग डिलीवरी दिया, इस डायलॉग डिलीवरी वेरी वेरी मासी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एक्टिंग सो टू स्पीक। सो ओवरऑल दर्शन एब्सोल्यूटली रॉक्ड इन काटेरा। इनके अलावा बाकी लोगों ने भी बहुत बढ़िया काम किया, जगपति बाबू हो, दादर विलन्स, एवरीवन वेरी वेरी नाइस। इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट है राइट टुवर्ड्स द एंड विच वॉज नाइसली डन, विच इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप देखो आपको पता चलेगा क्या है वो। इसके अलावा जो एक्ट्रेस है इस फिल्म में, आराधना राम, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली एक एक्ट्रेस है, बहुत ब्यूटीफुल लगी थी वो, उनका जो साड़ी वाला अवतार वगैरह बहुत बहुत सुंदर लगी वो, उनका एक्टिंग भी अति सुंदर था यार, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका बॉडी लैंग्वेज वेरी वेरी नाइस टू वॉच। थोड़ा और रोमांस हो सकता था दर्शन और आराधना राम के बीच में, उतना ज्यादा रोमांस ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, हल्का हल्का रोमांस, दो गाने थे, बट आई थिंक थोड़ा और रोमांटिक हो सकते थे दोनों में लीड्स मेरे हिसाब से ऑन स्क्रीन, एटलीस्ट फॉर द स्टोरी टू बी यू नो टेकन इन अ रोमांटिक मैनर वुड हैव बीन अ मच मोर वर्थ वाइल वॉच इज व्हाट आई फेल्ट, बट स्टिल नेवरदलेस वॉच इट इफ यू लाइक प्योर मास एंटरटेनर्स। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स, कन्नड़ा फिल्म है, इंग्लिश सबटाइटल्स है, तो आप कन्नड़ा फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी देख के, इवन इफ यू डोंट नो कन्नड़ा सी आई, अभी अभी मुझे थोड़ा थोड़ा कन्नड़ा समझ में आता है, सच अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, बट फिर भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी आप समझ के एंजॉय कर सकते हो काटेरा को। तो जाइए देखिए काटेरा और मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, एंड ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।